आज के इस वीडियो में आपको सेकंड हैंड बाइक्स भी मिलेंगी और सेकंड हैंड स्कूटी भी मिलेंगी। ये 360 व्यू की, ये है आरके मोटर्स, ये शॉप है। अंदर में भी बहुत सारी बाइक्स लगी हुई हैं और यहाँ पे ठीक सामने में है हरमू रोड और लैंडमार्क है आपका ये यामाहा सेल, यामाहा का शोरूम। और इस तरफ से अगर आप आते हैं तो आप रातू रोड तरफ से आ रहे हैं और अगर इस तरफ से आप आ रहे हैं तो डोरंडा की तरफ से आप आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और लैंडमार्क है हीरो, हीरो का शोरूम। और ये हो गया आरके मोटर्स का शोरूम जहाँ पे आपको सेकंड हैंड बाइक्स वगैरह मिलेंगी। अब हमारे साथ हैं राकेश कुमार सर और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बाइक्स हैं और क्या रेंज में है और स्कूटी के बारे में भी। तो सर सबसे पहले इस बाइक के बारे में बताइए, ये वाली बाइक इसका क्या प्राइस है और मॉडल? होंडा का ट्विस्टर है ये और 2011 मॉडल की है। और कितना चला हुआ है सर? 28,000। और उसके बाद ये एक बजाज की प्लैटिना है, इसके बारे में सर थोड़ा सा रेट बता दीजिए। 38,000। और ये कौन सी मॉडल है? 2017 मॉडल की है ये और 28,000 की है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ और वो आप देख सकते हैं ये सर, इसके बारे में थोड़ी सी बात मॉडल 2010 मॉडल की है और हीरो 32,000 चली हुई है ये। और इसका प्राइस क्या होगा? 32, इसका प्राइस जो है वो 32,000 रुपये है। और कितने किलोमीटर ये अप्रॉक्स चली हुई? 38,000 ये अप्रॉक्स चली हुई है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे, आपको अब स्कूटी दिखाते हैं। अब बार ये स्कूटी की, स्कूटी यहाँ पे तीन मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। तो चलिए सर से उसके बारे में बात करते हैं। तो सर जो सबसे पहले स्कूटी है होंडा की, इसके बारे में बताइए। एक्टिवा 2012 मॉडल, होंडा की एक्टिवा 2012 मॉडल है। और इसका प्राइस क्या होगा सर? 32,000। और कितने किलोमीटर ये चली है? 28,000 किलोमीटर ये चली हुई है और 32,000 इसका प्राइस होगा। और अब एक और बहुत ही अच्छे कंडीशन में स्कूटी, सॉरी, और आप देख सकते हैं होंडा एक्टिवा 2016 मॉडल की है। आप एक बार यहाँ पे दिखाइए होंडा एक्टिवा 2016 मॉडल और बहुत ही अच्छे कंडीशन में आप देख सकते हैं, सीट कवर वगैरह भी लगा हुआ है। और इसका सर प्राइस कितना पड़ जाएगा? 40,000। और कितने किलोमीटर चली हुई? 47,000। 47,000 ये चली हुई है और 40,000 इसका प्राइस है। 40,000 रुपये में ये आपको, 40,000 रुपये में से आप अपनी बना सकते हैं। और अब एक और स्कूटी उसके बारे में बात करते हैं, ये है होंडा की एविएटर, होंडा की एविएटर। सर इसके बारे में 2017 मॉडल है, 2017 मॉडल, 43,000 चली हुई है। अच्छा, और प्राइस क्या होगा? 44,000। 44,000 रुपये में ये आपकी हो जाएगी और अप्रॉक्स 23,000 ये चली हुई है। और ये तीनों ही स्कूटी आप एक बार दिखाइए, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है और स्पेशली ये दो जो हैं और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर से चलते हैं बाइक्स की तरफ। सो अब हमारे पास है हीरो होंडा पैशन प्लस, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 2009 मॉडल है, 40,000 किलोमीटर चली हुई है। 2009 मॉडल की 40,000 किलोमीटर, 27,000 रुपये, 27,000 रुपये इसका जो है वो प्राइस है। और ये भी अच्छे ही कंडीशन में है, जो लोग इस तरह की कम बजट वाली बाइक से चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं, हमारे पास दो और गाड़ियां हैं, एक पैशन प्रो है और वो स्प्लेंडर है। तो पहले पैशन प्रो के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। 2011 मॉडल और रेट और कितने किलोमीटर? 33,000 की है ये और कितने अप्रॉक्स चली हुई? 34,000। 34,000।
तो पैशन प्रो है ये, यहाँ पे आपको पैशन प्रो और पैशन प्लस दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब एक जो लास्ट बाइक, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट बाइक है, इसके बारे में सबसे जानते हैं स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर। सर इसके बारे में 2010 की ये बाइक है और 31,000 रुपये इसका पड़ रहा है। और ये कितने किलोमीटर चलेगी सर? 32,000 किलोमीटर। तो स्प्लेंडर काफ़ी अच्छे लुक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है और कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। आपको डिक्की के साथ आपको अवेलेबल है, आईना भी लगा हुआ है और टायर जो है, टायर की भी एक बार टायर दिखाइएगा, टायर भी अच्छी कंडीशन में है, टायर तो काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। अब हमारे पास इस शोरूम की सबसे सस्ती बाइक जो कि सिर्फ 20,000 रुपये में है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी डी डॉन हीरो होंडा की 15 साल पुरानी, हाँ ये 15 साल पुरानी है लेकिन री रजिस्ट्रेशन हो चुका है 5 साल। तो और 20,000 रुपये में ये अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये सबसे सस्ती ये जो बाइक है और 20,000 रुपये से ये बस आपको मिल रही है। कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर पीके को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।